गुड मॉर्निंग एवरीबडी. टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एंगल्स एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज और वी कैन द टाइप ऑफ द एंगल. ओके, द वेरी फर्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल, ओके, एडजेसेंट एंगल. Adjacent angle. Now try to understand what the adjacent angle means. Okay. Now, as you know that for making the angles, we required the two straight line. So suppose the two straight lines. Suppose one is line is the AB, AB, and another line is the AC. है ना? तो यहाँ पे ABC. This is a kind of angle. यही आपके लिए एक angle form कर रहा है. और इस angle का अगर मेरे को नाम लिखना है, तो मैं इस angle का नाम जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सेंटर में लिखते हैं ए, ठीक है. और बाकी जो दो और जो पॉइंट्स हैं जैसे बी और सी, एक पहले एक बाद में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए सी, बी ए सी, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी की जगह पर सी ए बी, सी ए बी, ये सी ए बी. तो ये मेरे लिए एक एंगल है. ओके, नाउ तो किसी भी एक एंगल का जब भी हम लोग नेमिंग लिखते हैं, नेम लिखते हैं, तो जो जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यहीं पे एंगल फॉर्म होता है. और एंगल को हमेशा बीच में लिखते हैं, वो जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमेशा बीच में, बाकी की ये दोनों पॉइंट एक पहले और एक बाद में, किसी को भी पहले किसी को बाद में लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, अब आता है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बगल बगल, है ना, जस्ट बगल. तो एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब है कि पहले तो आप ये देखो, कोई भी एक एंगल को बनाने के लिए आपको दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए. ओके, तो दो लाइन इंटरसेक्ट किए तो यहाँ पे एक एंगल बनाओ. लेकिन जब हम एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करेंगे, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि कोई भी दो ऐसा एंगल, कोई भी दो ऐसा एंगल जिसमें कि एक आर्म कॉमन हो. जैसे इस एंगल को बनाने के लिए दो साइड्स की ज़रूरत है, इस साइड्स को हम लोग आर्म भी बोलते हैं, आर्म. ओके, तो जब हम लोग एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करते हैं, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल और उन दोनों एंगल में एक आर्म बिल्कुल भी कॉमन होने चाहिए, मतलब एक साइड कॉमन होने चाहिए. ओके, तो सपोज़ करो कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ ए बी सी. यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ए बी सी, इसका नाम लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी. यहाँ पे होंगे ए बी सी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एंगल का फॉर्म हो चुका है, इस एंगल का नाम ए बी सी, या हम लोग इसका हम लोग एक और नाम भी क्या ले सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, सी बी ए, दोनों बिल्कुल सेम है. ओके, नाउ अब एक और ऐसा हम एंगल बनाते हैं जिसमें कि इन दोनों में से कोई भी एक साइड जो है कॉमन होता है, ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ फिलहाल अभी कि ये जो बी सी है, बी सी, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं. तो जब इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक और एंगल बना दिया हमने, सपोज़ करो कि इसका नाम हम लेते हैं डी, डी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी बी सी, डी बी सी. तो ये जो एंगल है ये मेरे लिए हो गया एंगल डी बी सी, और ये एंगल जो है मेरे लिए एंगल ए बी सी या सी ए बी. ओके, नाउ आप देखो कि अगर इन दोनों एंगल में अगर हम लोग चेक करते हैं, तो इन दोनों एंगल में एक आर्म जो है वो बिल्कुल कॉमन है. तो एक आर्म बिल्कुल भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हैं ये मेरे लिए बिल्कुल भी एडजेसेंट एंगल होंगे. एडजेसेंट, जस्ट बगल बगल वाले साइड. तो आप देख लो कि इन दोनों एंगल में देखो बी सी, यहाँ पे देखो बी सी और यहाँ पे देखो बी सी, बिल्कुल कॉमन आ रहा है ना. तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि बिटवीन टू लाइन वन आर्म इज कॉमन, है ना. बिटवीन बिटवीन टू एंगल्स एंगल्स वन आर्म आर्म ऑप्लिक साइड साइड इज कॉमन, है ना, कॉमन. कॉमन मतलब कि कोई भी दो एंगल है, दो एंगल के बीच में अगर एक एंगल एक साइड अगर कॉमन होगा, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है ना. अब रहा सवाल कि इन दोनों एंगल्स के बारे में, तो ये दोनों एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इनको एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं. ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 19 डिग्री, 27 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब ये दोनों का एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों एंगल्स जो हैं वो उनमें सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि उनमें बस एक जो आर्म है वो कॉमन होगा, और दोनों के जो एंगल्स का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, तो ये हमारे लिए था एडजेसेंट एंगल.
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और हम लोग काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। और ये लीनियर पेयर जो है जस्ट एडजेसेंट एंगल का जस्ट बाद का पार्ट है, ओके। एडजेसेंट एंगल तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि बिटवीन द टू एंगल इफ वन आर्म इज कॉमन और वन साइड इज कॉमन वी कैन से दीज टू एंगल आर एडजेसेंट एंगल, ओके। नाउ लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल का जस्ट एक बाद का स्टेप है, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे हम कोई भी एक एंगल फॉर्म करते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे ए बी सी, तो इसका नाम हो गया यहाँ पे एंगल ए बी सी, ये एंगल मेरे लिए फॉर्म हुआ, ठीक है। अब हम एक एडजेसेंट एंगल बनाना चाहते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल बनाने के लिए आपको पता है कि एक आर्म कॉमन होना चाहिए। तो सपोज करो कि मैं ये जो आर्म बी सी है इसको कॉमन रखता हूँ और मेरे को एक और आर्म चाहिए, तो दूसरा आर्म जो है अगर वो जस्ट अपोजिट, अगर आप कह सको जस्ट अपोजिट ऑफ ए बी हो, तो सपोज करो ये डी, डी मतलब ये बी डी जो है वो जस्ट अपोजिट ऑफ ए बी है, मतलब ए बी के जस्ट वर्टिकल अपोजिट, मतलब जस्ट उसके पीछे होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों जो एंगल हैं अभी यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो हो गए। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँगा तो ये एंगल हो जाएगा मेरे लिए डी बी सी, डी बी सी। तो ये एंगल हो गया मेरे लिए ऊपर वाला डी बी सी और ये एंगल हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया यहाँ पे डी बी सी, ओके, ये दोनों एंगल्स हो गए। लेकिन अब देखो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो हैं जिसमें कि यहाँ बी सी जो है, देखो बी सी चेक कर लो, बी सी जो है जो दोनों में बिल्कुल कॉमन है। और इसमें एक कंडीशन ये क्या हुआ एडजेसेंट एंगल से, इसमें एक डिफरेंस क्या है कि जो दूसरा जो आर्म जो मैं बना रहा हूँ, दूसरा एंगल बनाने के लिए जो आर्म बना रहा हूँ, ये जो आर्म है वो जस्ट अपोजिट है नन कॉमन आर्म के। ये तो कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म कौन सा हुआ, बी ए और डी ए। तो बी ए और डी ए दोनों जो है वो नन कॉमन आर्म है। तो नन कॉमन आर्म अगर एक दूसरे के जस्ट अगर अपोजिट होंगे और इसमें जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेंगे, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो पेयर होता है इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। और आपको पता है कि सिंस ये एक के दोनों जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल तो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इस केस में, लीनियर पेयर केस में, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम बिल्कुल कितना होगा, 180 डिग्री, बिल्कुल भी 180 डिग्री। तो इसका मतलब लीनियर पेयर क्या हुआ कि इफ नन कॉमन आर्म आर्म और साइड, जो यहाँ पे नन कॉमन आर्म है, नन यहाँ पे कॉमन कौन है, बी सी, तो नन कॉमन कौन हो गया, बी ए और डी, बी ए और डी बी, ये दोनों नन कॉमन आर्म हुआ। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो इफ नन कॉमन आर्म कॉमन आर्म आर जस्ट अपोजिट अपोजिट ऑफ ईच अदर, ईच अदर 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 ईच अदर, देन देन एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स एंगल्स सो फॉर्म्ड फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो जब कभी भी दो एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, और एडजेसेंट एंगल बनाने में क्या है कि जो नन कॉमन आर्म है अगर वो दोनों अगर एक दूसरे के जस्ट अगर अपोजिट होंगे, तो ऐसे ऐसे स्पेशल एडजेसेंट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और इसका खासियत क्या हो गया कि जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो गए तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, बिल्कुल भी 180। आई ई मतलब कि अगर तो इन दोनों का एंगल को ऐड करोगे तो एंगल डी बी सी, ये एंगल डी बी सी और प्लस एंगल ए बी सी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी होगा 180 डिग्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि लीनियर पेयर के केस में जो दोनों एंगल का जो सम होता है ये बिल्कुल भी कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना, लीनियर पेयर, ओके। नाउ इसके बाद जो हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे वो होगा हमारे लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट अपोजिट एंगल्स। ठीक है,
वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, मान के चलो कि यहाँ पे ए बी अगर हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरा लाइन जस्ट उसको इंटरसेक्ट करता है, ये सी डी, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी, ये दोनों मेरे लिए बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी किस पॉइंट पे, ओ पे। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो यहाँ पे टोटल कितना एंगल का फॉर्मेशन होता है, देखो पहले आपको एक एंगल यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ, और इसके जस्ट अपोजिट बात करेंगे तो ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में जस्ट इक्वल होंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब एंगल ए ओ डी जो होगा ये हो जाएगा एंगल सी ओ बी के बराबर, ये हुआ मेरे लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। और अगर इधर से अगर मैं कलर करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, तो इसका अपोजिट कौन होगा, बिल्कुल ये होगा। तो यहाँ पे मेरे लिए ये एंगल जो है एंगल डी ओ बी जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, और ये मेरे लिए क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंगल्स मतलब ये जिसका वर्टिकल है उसके जस्ट अपोजिट अपोजिट है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि लाइंस हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर लाइंस स्ट्रेट नहीं है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ दो लाइंस में, दो से ज़्यादा लाइंस के केस में भी वर्टिकल अपोजिट एंगल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे सी डी एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट है ई एफ, ई एफ, और सब लोग बिल्कुल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ओ पे, ठीक है, ओ पे। तो अब आप देखो, मैं उसको कुछ नेमिंग कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, ये एंगल फाइव और ये एंगल सिक्स। टोटल सिक्स एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ। तो टोटल सिक्स एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वर्टिकल अपोजिट देखो, जैसे कि अगर मैं इसको लेता हूँ वन को, तो अगर मैं वन लेता हूँ तो वन के जस्ट अपोजिट कौन सा है, बिल्कुल ये है, चेक कर लो, वन के जस्ट अपोजिट कौन होगा, बिल्कुल यहाँ पे वन, फोर। तो एंगल वन जो है वो जस्ट एंगल फोर के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल टू लेता हूँ तो टू के जस्ट अपोजिट कौन है, फाइव है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल टू के जस्ट अपोजिट कौन हो गया, फाइव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं लास्ट देखता हूँ, तो अगर मैं ये सिक्स लेना चाहता हूँ, ये सिक्स, ये सिक्स, तो सिक्स के अपोजिट कौन सा दिख रहा है, सिक्स के अपोजिट बिल्कुल भी ये थ्री दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल सिक्स के जस्ट अपोजिट हो गया एंगल थ्री। तो ये सब भी हो गए हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। लाइन स्ट्रेट नहीं है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन बिल्कुल ऐसे जा रहा है और एक लाइन थोड़ा ऐसे है, ठीक है, एक लाइन ऐसे है, कौन कौन सा एंगल बन रहा है, वन टू थ्री और यहाँ पे फोर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी एंगल टू जो है वो बिल्कुल भी एंगल फोर के बिल्कुल इक्वल नहीं होगा और एंगल वन जो है वो बिल्कुल भी एंगल थ्री के इक्वल नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है एक लाइन सिर्फ स्ट्रेट है, बाकी आप चेक कर लो कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो इसीलिए कभी भी टू और फोर आपस में इक्वल नहीं होंगे और थ्री और वन कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लाइन्स स्ट्रेट नहीं है। वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के लिए बिल्कुल भी लाइन स्ट्रेट होने चाहिए, ओके। तो आई होप कि ये तीन कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए और इस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम क्वेश्चंस, ओके, थैंक यू वेरी मच।